नमस्कार पलक, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक सीखी है, यूट्यूब से ही सीखी है, तो मैं आज अप्लाई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसी हो रही है। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक बॉटल ले लिया है और इसको काट भी लिया कि ताकि टाइम वेस्ट ना हो ब्लॉग में ज़्यादा। देखो, आपको भी पता है ये मैंने क्यों ली है। नहीं बनाओ, क्या दिखा रहे हो? ये कल हमने नमक का पैकेट खोला था, खोला क्या था, ये पहले से खुला हुआ था, बचा था, तो अब ये डब्बा खाली हो गया है। तो मैंने इस पे सोच रही हूँ कि इस पे अप्लाई करती हूँ, देखती हूँ ये ट्रिक सही हो रही है नहीं हो रही। तो ये बॉटल का हमने ऊपर का ढक्कन ले लिया है, अच्छा। काट लिया है थोड़ा सा, और इसको ऐसे करके हम इसके अंदर फिक्स करेंगे। अभी अब देखती हूँ, मैं भी पहली बार कर रही हूँ, अगर मुझे अच्छी लगेगी ये ट्रिक तो मैं और बना लूँगी ऐसे ही। तो उसमें ये बताया गया था कि आप बॉटल को कैसे सील कर सकते हो, और उसमें से, और ये एक रबर बैंड ले लिया है मैंने, और ये रबर बैंड से हमको इसका मुंह ऐसे करके बांध देना है ना। गुड, वैसे लग तो सही रहा है, बड़ा जोर का आइडिया है और यार। इस पे लगा दो ढक्कन, तो आपका सामान भी नहीं सीलेगा। और आपको जब सामान निकालना है, तो अभी मुझे ये नमक निकालना है, तो ये देखो गाइस कितने अच्छे तरीके से सामान कर रहा है ना, वेरी है यार बढ़िया, मस्त ट्रिक है। मजा आ गया। हाँ, तो अब मैं तो ऐसे दो तीन बना लेती हूँ, और ये पैकेट ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरे में डाल लो। ये देखो कितनी आसानी से ख़त्म हो गया है पैकेट, घुस गए आधा जमीन में गिरा दिया गाइस मैंने। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक लग रही है मुझे तो, क्या फायदा क्या, वो तो ऐसे भी आ ही जाता नमक। नहीं, सील करने के लिए ना, जैसे आपके पास कोई चीज़ बच गई है तो आपका सील हो जाए, खराब हो समय जाएगा खराब वो, नहीं होगा नमक, इससे तो सील ये हो ऐसे जाएगा। करके आप बंद करके ठीक रख है। दो ये, और निकालना हो तो ऐसे निकाल लो। तो गाइज आपको कैसी लगी ये ट्रिक? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो कमेंट करके आप बताना ऐसी ही अगली ट्रिक के लिए। तो आज हमारे घर में बने हैं डुबके भात, तो चलिए आपको किचन में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आज हमारे यहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया, जल डुबके भात बना दिया, और कुछ जल गया गाइस, हमारे यहाँ बदबू आ रही है। तो गाइस ये गया। बने हैं भटके डुबके मतलब आपके लिए शुगर फ्री वाला मस्त, मंगाओ और उसमें शुगर फ्री डाल दीजिए। और ये बनी है चौलाई की सब्जी, और ये बने हैं हमारे चावल। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, तो चलिए आप भी आ जाइए खाना खाने। गाइस हम तो खा रहे हैं डुबके भात, और ये है हमारी चौलाई की सब्जी। की चाहिए किसी को? तो तेजस कैसा हो रहा, जरा खा के बताओ। डुबके भात बहुत बढ़िया, जो परसों खाए थे हमने वहाँ पे फेमस जगह पे, वो ज़्यादा अच्छे थे या? टक्कर है पर घर के ज्यादा बढ़िया है। मानसी तू बता। मुझे तो हमेशा घर के ही अच्छे लगते हैं। तो गाइज मेरे बच्चे कह रहे हैं कि मेरे डुबके भात वहाँ से भी अच्छे हो रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि एक ठेला लगा लें उससे बढ़िया हो रहा है, डुबके भात का उससे बढ़िया हो रहा है। है। बुराश का जूस भी बेचेंगे। तेजस कह रहा है बुरास का जूस भी बेचेंगे, मैं कह रही हूँ बहुत सही है, बुरास वालों ने तो इतने पैसे कमा लिए हैं, रोड के किनारे खड़े हो के जूस बेच रहे हैं। तो अगले साल हम भी भटके डुबके और जूस वूस बेचने का प्लान कर रहे हैं एक ठेले में। और नौकरी वोकरी तो मिल नहीं रही है बच्चों को, तो क्या बोलते तेजस उसको जो अपना काम शुरू करते हैं? अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, स्टार्टअप। स्टार्टअप। गाइस हमारा नया स्टार्टअप शुरू होने आ रहा है नेक्स्ट ईयर से, कि एक तो बुरांस के जूस का और भटके डुबके का होने वाला है दूसरा, तो हम लोग यही सर्व करेंगे लोगों को। तेजस जाके तोड़ेगा बुरांस पेड़ों में चढ़ चढ़ के, उसके पापा घोटेंगे ऐसे ऐसे बुरांस का जूस हंसी का घाघरा पिछौड़ा पहन के बेचेगी उसको श्याप जी, कुबरास का जूस ले लियो श्याप जी और गाइज मैं पैसे गिनूंगी, नमक बहुत हो रहा मैं काउंटर में बैठने वाली हूँ। कैसा है मेरा आइडिया? बहुत बढ़िया, मैं तो इन हूँ, है मैं तो इन हूँ प्लान में। मैं भी हंसी का तीन कह रही साल मैं बाद इन हूँ, बेरोजगार हो जाऊंगा तो और मेरे को तेजस बहुत भी कमाई कह रहा है है उसमें। मुझे कोई उम्मीद। पैसे सुनो खोल वो लूंगा क्या मैं बोल रहा बस। था आज, वो नौकरों को क्या देना चाहिए स्विट्जरलैंड में ना, कहाँ? हिंदुजा ग्रुप को जेल हो गई ना,
वहाँ $22 देते हैं पर घंटे। वास्तव में यार ये डुबके बहुत अच्छे रहे। वो $8 दे रहा। अच्छा विदेशों में गाइस बहुत ज्यादा डॉलर दिए जाते हैं। बस नमक के बाद इटली में इंडियंस को इनवाइट कर रहे जॉब करने के लिए और बसने के लिए। जर्मनी में भी तो कहते हैं है? इंडियन को बसा रहे इटली में। उन्हें इंडियन नहीं मिले और कोई हमारी आबादी तो जाके नहीं रहे। सालो दोनों घर में पड़े हुए हो, निकल लो दोनों इटली को, जॉब करो, पैसे दे दो चले जाएंगे। कितने पैसे लगेंगे? आधे टिकट तुम्हारा 10 लाख। 10 लाख नहीं हो पाएगा, यहीं काम कर लो। बुरास का जूस ही ठीक है बेचना। दुबके का ठेला खोलो, एक एक खोलो इडली में। इडली में सब्जी भी बहुत महंगी बिकती है। सब्जी विक्रेता था ना एक, वो मार्गो हमारे वहाँ आता था, वो पूरी बाद में वो ट्रेवल एजेंट बन गया। तो गाइस खाना पीना तो हो चुका है, आप टेबल साफ कर रहे हैं और उसके बाद अभी नीचे आ गई है रिधिमा, तो आपको मैं रिधिमा से भी मिलवाती हूँ। रिधिमा कौन है और उनके साथ दो तीन लोग और आए हैं, और अभी मौसम भी दिखाती हूँ हमारे वहाँ का कैसा हो रहा है। तो चलिए चलते हैं बाहर को, टेबल हो गई है साफ। तो गाइस हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, और ये देखिए आज बाहर का मौसम कैसा है, बादल लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अभी तक तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। रिधिमा अपना शूट भी करने लग गई है और वो रील बनाने आई है, और रिधिमा के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। पहले चलिए देखते हैं वो क्या कर रही है। तो ये है हमारी रिधिमा, हमारे अल्मोड़ा की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। तो देखिए कितनी छोटी सी, और लेकिन इनका डांस इतना लाजवाब है कि आप देखते ही रह जाएंगे, है ना रिधिमा? हाय बोल दो चलो हमारे। हेलो। चलो उधर। हेलो। तो रिधिमा क्या कर रही हो आज आप? मैं वीडियो शूट कर रही हूँ रील के लिए पंकज दद्दा के साथ। कौन है पंकज दद्दा जरा बताओ? वो लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ से आए हैं ना? हाँ। और रिधिमा के साथ रील बनाने आए हैं। देखो हमारी रिधिमा इतनी प्रसिद्ध है कि उनके साथ रील बनाने लखनऊ से आए हैं। वो भी प्रसिद्ध कलाकार है हमारे पंकज जी, है ना पंकज जी? नमस्कार। ये हमारे पंकज जी। नमस्कार। नमस्कार। चलिए बनाइए रील और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ ज्यादा। हाँ। ये देखिए रिधिमा की मम्मी रेडी हैं कैमरामैन बनके। ये हमारे शहर की बेस्ट कैमरामैन है। तो गाइज यहाँ पे चेक हो रहा है कि ब्लॉग वीडियो सही से बनी नहीं बनी, है ना? तो सही है, मेरे बाल तो बिखरे जा रहे हैं। अरे बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर। और रिधिमा की तो बात ही कुछ और है, है ना रिधिमा? ज्यादा जानकारी है नहीं इस बारे में, टुकड़ा कर लो चाहे मुखड़ा कर लो, है नहीं? उसी में ना आप दूसरी लोकेशन ढूंढ रहे। रिधिमा जो है बहुत ही अच्छी कलाकार है और बहुत ही छोटी उम्र से वो कथक सीख रही हैं, तो इतना बढ़िया लाजवाब कथक करती हैं वो कि हर किसी को बीट कर देती हैं। हमारे वहाँ कोई भी कंपटीशन होते हैं तो रिधिमा ही ट्रॉफी ले जाती है, और रिधिमा कई टीवी प्रोग्रामों में भी डांस कर चुकी हैं और जीत चुकी हैं, कई जगह जाती हैं वो प्रोग्राम करने भी। तो रिधिमा जो है हमारे अल्मोड़ा की शान है, जान है। और रिधिमा इतनी छोटी सी है लेकिन इनके इंस्टाग्राम में 50,000 फॉलोअर्स हैं। जा रहे बैठे, बाय 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 रिधिमा। अब रिधिमा जाने लग गई है अपने घर को। आना है रिधिमा? हाँ ठीक है। कौन
हाँ नो प्रॉब्लम वृंदावन आएंगे, अभी थोड़ा वो हो रहा है ना गर्म। अच्छा, मौसम हम लोगों को गर्म ज्यादा लगता है ना। हाँ, कार्तिक में आओ, वहाँ 84 कोस की यात्रा में। अच्छा, कार्तिक में होती है। हाँ, आप वृंदावन से आए हो? आप वृंदावन से आए हैं। चलो बहुत बढ़िया, आपने दर्शन दे दिया हमको। अरे आपने दर्शन, आपने ठाकुर जी को यहाँ देखो, यही वृंदावन प्रकट कर रखा है। हमारे भाग्य खुल। आप वृंदावन से आ रहे हो? हाँ, वृंदावन से। इस्कॉन वाले हो आप? इस्कॉन। चलो बहुत बढ़िया, आप तो दिन रात सेवा में जुटे रहते होगे। वो उनकी कृपा है, देखो एक जगह तो जीवन देना ही है। हाँ। या तो संसार में दोगे। हाँ। या तो भगवान की सेवा में दोगे। सही बात, एक जगह जीवन को नष्ट होना है। हाँ। तो भगवान की शरणागत होके सेवा करोगे तो वो आनंद ही अलग है। बहुत बढ़िया, शरणागति होके अलग बात है। हाँ। या तो घर परिवार में जीवन देना पड़ेगा। हाँ। पुत्र बेटा बेटी घर दुकान सब देखना पड़ेगा। हाँ। और फिर एक भगवान को समर्पित होकर करना पड़ेगा। अब हम तो घर परिवार को छोड़ ही नहीं सक रहे फिर अभी। अरे घर भी मत छोड़ो, सुनो। हाँ। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अपनी बुराइयों को छोड़ो, भगवान को समर्पित हो जाओ, यही सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अब लेकिन इतने पुराने दिख रहे हैं आप, जो बताओ। हाँ, 100 कितने साल हो गए ठाकुर जी, तो यहाँ क्या क्या लीला कर देंगे। करते हैं लीला। हाँ। बहुत लीला कर रखी, उन्हीं की लीला है। हाँ, उन्हीं की लीला सब। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।